द्वादश लिंगाख्य पाशुपाश विमोक्षण व्रत वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा पाशुपत के पाशुपाश विमोक्षण व्रत को सुना। अब प्राचीन काल में देवताओं के द्वारा उसका किस प्रकार अनुष्ठान किया गया, यह आप हमारे लिए कहिए। सूत जी बोले, पहले सनत कुमार ने शैल आदि से पूछा था। नंदी ने उनको जो संक्षेप में कहा है, देव, दैत्य, सिद्ध मुनियों ने उसका अनुष्ठान किया है। वह यही द्वादश लिंगाख्य पशुपाश विमोक्षण व्रत है। यह भोग, काम और मुक्ति को देने वाला है। छह अंगों सहित वेद को मत करके इसको निकाला है। संसार रूपी वृक्ष के जीवों को मोक्ष देने वाला है। ब्रह्मा विष्णु ने भी इसका अनुष्ठान किया है। शिव का पूजन साधारण रूप से सभी महीनों में करने की विधि का वर्णन करता हूँ। चैत्र में सोने की, वैशाख में वज्र की, ज्येष्ठ में मरकतमणि की, आषाढ़ में मुक्ता की, सावन में नीलमणि निर्मित, भादो में पद्मरागमयी, अश्विन में गोमेद की, कार्तिक में प्रवाल, मार्गशीर्ष में वैदुर्य की, पूष में पद्मराग की, माघ में सूर्यकांत मणि की, फागुन में स्फटिक मणि की लिंग मूर्ति बनाकर पूजा करें। सभी महीनों में सोने का कमल बनाने या चांदी से अथवा केवल कमल से ही पूजा करें। रत्नों के अभाव में सोना चांदी, उनके अभाव में ताम्र व लोहे से कार्य किया जाना चाहिए, अथवा पत्थर की, लकड़ी की या मिट्टी की या सर्व गंधमय शिव की मूर्ति बना लेनी चाहिए। हेमंत ऋतु में महादेव की श्री पत्र से पूजा करें। सभी महीनों में चांदी का कमल जिसमें सोने की कली बनी हो, ऐसे कमल से पूजा करें। अभाव में केवल बेल पत्र से पूजा करें। बेल पत्र में सदा लक्ष्मी निवास करती है। नील कमल में अंबिका, उत्पल में षडमुख तथा महादेव पद्म में रहते हैं। श्री पत्र को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। गुगुल से उत्पन्न धूप सदा सर्व पापों का नाश करती है, अतः धूप दीप हमेशा अर्पण करना चाहिए। सर्व रोगों का नाश करने वाला, सर्व सिद्धि देने वाला चंदन कहा है। श्वेत आप के फूल में साक्षात ब्रह्मा का वास है। कन्नेर में साक्षात मेधा, करवीर में गणाध्यक्ष, वक में साक्षात नारायण, सर्व सुगंधित पुष्पों में गंगा जी निवास करती हैं। शुद्ध अन्न एक या अधिक आड़क शक्ति से निवेदन करना चाहिए। प्राणियों को अन्न दान करने से शंकर जी की तृप्ति होती है। इससे प्रति मास देव का पूजन करना चाहिए। पूर्णमासी को महादेव जी का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व कार्य की सिद्धि होती है। सत्य, अहिंसा, शौच, दया, शांति, संतोष, दान धारण करके व्रत करना चाहिए। वर्ष के अंत में गोदान तथा बैल की सवारी का त्याग तथा वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शिव क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार शिव की पूजा करने वाला मनुष्य उत्तम तपस्वी हो जाता है और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त उत्तम विमान में बैठकर शिव लोक को प्राप्त होता है। यह भक्त शिवपने को, देवपने को, पितरीश्वरपने को, गणपत्यपने को पाता है। विद्यार्थी विद्या को, भोगार्थी भोगों को तथा जो जो भी कामना करता है यह उसको प्राप्त करता है। एक माह का व्रत करने पर भी मनुष्य रुद्रपने को पाता है। यह शुभ पवित्र व्रत देव, किन्नर, विद्याधरों को रुचता है। विधि पूर्वक ईश का पूजन करने और मूर्धा से प्रणाम करके इस स्तवन का जाप करता है, वह शिव धाम को प्राप्त होता है। पूर्व में ब्रह्मा ने इस स्तोत्र को तीनों लोकों के हित के लिए कहा था, अतः यह स्तोत्र अमूल्य है। विपोहन नाम का स्तोत्र। सूची बोले, हे ऋषियों, अब मैं विपोहन स्तवन को आप लोगों को कहता हूँ, जो सर्व सिद्धि को देने वाला है। नंदी के मुख से कुमार ने सुनकर व्यास जी को सुनाया तथा व्यास जी से मैंने सुना था, सो कहता हूँ। शुद्ध, निर्मल, यशस्वी काल को देखने वाले परमात्मा भव के लिए नमस्कार है। वे पांच मुख वाले, 10 भुजा वाले, 15 नेत्रों से युक्त, स्फटिक मणि के समान, संपूर्ण आभूषणों से भूषित, सर्वज्ञ, शांत,
सर्वोपरि स्थित हैं। पद्म आसन में बैठे हुए सोमेश हमारे सभी पापों को दूर करें। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव भगवान पापों को शीघ्र नाश करें। अनंत, सर्व विद्याओं के ईश्वर, सर्वज्ञ, सब देने वाले ध्यान निष्ठ शिवजी मेरे पापों को दूर करें। सूक्ष्म, सुर और असुरों के ईश्वर, विश्वेश ध्यान में संपन्न शिवजी मेरे पापों को दूर करें। शिवोत्तम, महापूज्य, ध्यान परायण, सर्वज्ञ, सर्वत और शांत मेरे पापों को दूर करें। एकाक्ष, ईश, शिवार्चन, परायण, शिव ध्यान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करें। त्रिमूर्ति, ईश, शिव भक्त प्रबोधक, शिव ध्यान संपन्न मेरे पापों को दूर करें इत्यादि। इस विपोहन स्तोत्र को जो भक्ति पूर्वक जपता है अथवा सुनता है वह सब पापों को त्याग कर रुद्रलोक को प्राप्त होता है। कन्या की कामना करने वाला कन्या को प्राप्त करता है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त करता है। इसको सुनने वाले को वात, पित्त, कफ की बीमारी नहीं होती। इस स्तोत्र को जपने से सब तीर्थों और दानों का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। गोघाती, ब्रह्म हत्यारा, शरणागत घाती, मित्र द्रोही, माता पिता का हत्यारा भी सब पापों को त्याग कर शिवलोक में पूजनीय होता है। शिव व्रतों का वर्णन। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, पवित्र विपोहन स्तोत्र को हमने सुना, अब प्रसंग व लिंग दोनों को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, नंदी ने कुमार से, कुमार ने व्यास से, तथा व्यास से जो मैंने सुना वह शिव का व्रत तुमसे कहता हूँ। दोनों पक्ष की अष्टमी और चौदस को शिव का पूजन करें तथा रात्रि को भोजन करें। ऐसा करने से एक वर्ष में संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और परम गति को पाता है। मास की दोनों पंचमी और प्रतिपदा में जो क्षीर धारा का व्रत धारण करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चौदस तक जो रात्रि में भोजन करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो वर्ष तक रात्रि में पर्वों को धारण करता है तथा जित क्रोधी व ब्रह्मचारी रहता है तथा वर्ष के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह शंकर जी के लोक को जाता है। देवता पूर्वाहन में, मध्याहन में ऋषि लोग, अपराहन में पितृश्वर तथा संध्या में गुह्यक लोग भोजन करते हैं। सब बेलाओं को त्याग कर रात में भोजन सबसे उत्तम है। स्नान करके सत्य भाषण, थोड़ा आहार, अग्नि में हवन, पृथ्वी पर शयन तथा रात्रि में भोजन करने से परम गति को पाता है। अब मैं प्रत्येक मास का व्रत कहूँगा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायक तथा सब पापों से मुक्त करने वाला है। पौष में शिव का पूजन करके रात्रि में जो भोजन करता है वह सत्यवादी और जितेंद्रिय रहता है। जो दोनों पक्ष की अष्टमी का उपवास करता है, भूमि में शयन करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से शिव को स्नान कराकर शिव का पूजन करता है, खीर घी आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गौ का दान करता है वह वन ही लोक जाता है। इसी प्रकार माघ में शिव का पूजन करके जो रात्रि में घृत युक्त खिचड़ी का भोजन करता है, दोनों चतुर्दशी को व्रत रखता है, काला घोड़ा दान करता है, वह यम लोक में पहुँच कर यम के साथ क्रीड़ा करता है। फाल्गुन के महीने में समान घृत दूध से रात में जो भोजन करता है तथा चौदस और आठे को उपवास करता है, ऐसा शिव भक्त ताम्र वर्ण की गौ का जोड़ा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करता है, वह चंद्र लोक जाता है। चैत में रुद्र की पूजा करके चावल घी दूध से युक्त भोजन करने वाला पृथ्वी पर सोने वाला पुरुष निरति के स्थान को पाता है। उसे पूर्णमासी में शिव का पूजन करके सफेद गौ का जोड़ा दान करना चाहिए। वैशाख के महीने में पूर्णमासी का व्रत कर पंचगव्य तथा घृतादि से शिव को स्नान कराता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ के महीने में देवेश की पूजा कर रात्रि में भोजन करता है, धूम्र वर्ण को गौ ब्राह्मण की सेवा में रहता है, धूम्र वर्ण को मिथुन का दान करता है,
पूर्णमासी का व्रत करता है वह वायु लोक में निवास करता है। आषाढ़ के महीने में जो रात्रि में भोजन करता है, खांड घी सत्तू तथा गौ रस का भोजन करता है, श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गौर वर्ण की गौ मिथुन का दान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। श्रावण में शिव पूजा में परायण जो रात्रि को भोजन करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से पूजा करके श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा आगे के पैर सफेद हो ऐसी पौंड्र गो मिथुन का दान करता है, वह वायु के समान सर्वत्र विचरण करता है तथा वायु के सायुज्य को प्राप्त करता है। भाद्रपद में जो रात्रि को भोजन करता है तथा वृक्ष की मूल में स्थित हवन के शेष भाग का भोजन करता है, वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नील कंधा वाले बैल तथा गौ का दान करता है, वह यक्ष लोक में यक्षों का राजा बनता है। आश्विन के माह में शंकर का यथावत पूजन कर जो ब्राह्मण को भोजन कराता है, नील वर्ण का बैल तथा गौ को दान करने वाला मनुष्य ईशान लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में खीर और भात का भोजन कर जो शिव का पूजन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराकर कपिला गौ मिथुन का तथा चरु का दान करता है, वह सूर्य लोक में वास करता है। मार्ग शीर्ष के महीने में इस प्रकार का रात्रि में भोजन करने वाला तथा जौ का अन्न घी दूध खाकर उपवास करता है, धरित्र तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पांडु वर्ण की गौ मिथुन का दान करता है, वह सोम लोक में सोम के साथ आनंद करता है। अहिंसा सत्य अस्त्य क्षमा दया ब्रह्मचर्य इनको धारण करके तीन बार स्नान करे, भूमि में शयन करे, रात्रि में भोजन करे, दोनों पक्षों की अष्टमी और चौदस का व्रत करना चाहिए। यह व्रत प्रति मास का मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, जो कोई भी इस व्रत को एक वर्ष तक क्रम से या व्यतिक्रम से करे, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है।